Hello, Farhan. Hello, Farhan. Yeah. Towards your left. Left, left, left. That's left. Sorry, right, right, right. आपने कहा कि बच्चन साहब एक रीज़न है आपका फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए. अगर हम बात करें कि आप उनके साथ फर्स्ट टाइम स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे, तो किस तरह का प्रिपरेशन आपने खुद से की? हमने काफ़ी रीडिंग्स किए एक साथ, और उसके अलावा जो होना है वो इवेंचुअली सेट पे ही होगा. लेकिन ये बात बिल्कुल मैं आपसे आपको बताऊँ कि पहली बार जब हम शूट कर रहे थे तो एक सीन था, ये इनके घर में जो फिल्म में उनका घर है उसमें हम एक सीन कर रहे थे, चेस बोर्ड बीच में है. एंड इट टुक मी अ गुड आई वुड से ऑलमोस्ट एक घंटा या डेढ़ घंटा फॉर इट टू सिंक इन प्रॉपरली कि मतलब ये शूटिंग चल रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अमित अंकल उस तरफ बैठे हैं और हम लोग कुछ रीडिंग्स और रिहर्सल्स करें. इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू दैट. फॉर्चुनेटली उस सीन में ज़्यादा जो टॉकी पोर्शन है वो उन्हीं का है, तो आई हैव टू जस्ट लुक वेरी ऑस्ट्रक एंड क्वाइट, तो दैट केम वेरी नेचुरली टू मी इन दैट सीन. आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनली परफॉर्म्ड सीन्स बाय द वे, कम्प्लीटली नेचुरली लुकिंग ऑस्ट्रक विद दिस मैन who's giving me some very very important information. Amit sir, left mein aapke. नहीं, हमारा पहले वर्किंग टाइटल था दो. जब हम शुरू करते हैं कोई भी कहानी सालों साल लिखी जाती तो हम ऐसे एक दो तीन कुछ भी उसका टाइटल रख देते हैं. फिर वो जैसे जैसे कहानी बनती है फिर वो हमको टाइटल समझ में आता है कि इसका ये टाइटल होना चाहिए. हमारी असल में आप मुन्ना भाई MBBS में भी कितने अलग अलग टाइटल थे. जैसे जैसे कहानी बनती है और कलाकार जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं और हम एडिटिंग में देखते हैं क्या हो रहा है, इसीलिए हम वक्त लगाते हैं. धीमे से सहज पके सो मीठा होए वाली बात है. तो वो जब फिल्म को हमको लगता है कि अप्रोप्रिएट ये टाइटल है तो हम फिर उसको फाइनल करते हैं. अमित सर, आपके ये पहले वर्किंग टाइटल था व्हाट अ स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद W को सुपरस्टिशन रख के हमने वजीर. अमित सर, लेफ्ट साइड में विकास फ्रॉम न्यूज नेशन, लेफ्ट साइड में सर, आपके लेफ्ट साइड में सर. यहाँ सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, 42वीं शादी की सालगिरह है. और आपसे सवाल करूंगा सर, क्योंकि आपके जो बाएं साइड में बैठे हैं सर वो शादी के साइड इफेक्ट वाले बैठे हैं, तो क्या ये सर एक लाइन होती है कि शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है, तो सर इन 42 सालों में ये लाइन कितनी बार याद रही? आपकी शादी हो गई क्या? जी सर. कितना मीठा है आपका लड्डू? सर आपसे पूछना है मुझे भाई. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर. 42 साल नहीं हुए शादी. हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हम पूछने का अधिकार हमको भी है. सारा लड्डू आप ही खा जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे फिर? यानी आपके लड्डू मीठे हैं? नहीं बोल दीजिए. जी सर बिल्कुल, मेरे भी बहुत मीठे हैं. सर अनुभव थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपने ट्विटर पर बहुत सारी बात शेयर की है, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सर अनुभव कैसा था ये पूरा 42 साल का अनुभव? 42 साल विवाह का अनुभव, इसको कौन लाया यार इधर? सर ये बहुत लंबी बात हो जाए. थैंक यू सर. माय क्वेश्चन इज टू बिजॉय. हियर हियर हियर. हाय हाय. इट्स बीन रिपोर्टेड दैट जॉन एंड नील नितिन प्ले कैमियोज इन द मूवी, एंड इज दैट ट्रू? वेल वी जस्ट सॉ देम एग्जैक्टली एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड दैट यू हैव यू नो काइंड ऑफ शोन देम. Well, they both play kind of pivotal roles in the film. I wouldn't want to discuss much about that because the film is, going to be releasing much later. So, I would kind of wait to kind of watch out kind of thing. But they both definitely have a, it's a special appearance, but still they both have a quite a pivotal role in the film. Oh. Farhan, oh yeah, stay. Since you've done action movies, but you've not done an out and out action movie like you're doing action in this movie. So we also heard that there were professional hires to make you learn how to hold a gun and all. So if you can share your experience on that. There was a very good action team, for sure. और हाँ, मैंने action काफी direct की है, मगर मैंने कभी खुद film में action की नहीं है. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि one of my favorite genres from the time that I was a child was action movies. और मैं मतलब घर में घुमा करता था with an imaginary gun. And I used to go around corners thinking that there are villains hiding in different places. I was a very filmy child, as you can imagine. तो मैं सब करता था. और एक दिन मैं अपने मम्मी के रूम की तरफ जा रहा था, दरवाज़ा बंद था, और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा, उसके पीछे एक विलन का हेंचमैन टाइप खड़ा होगा और मैं उसे एक सॉक करूँगा मुँह पे.
और मैंने दरवाजा खोला और जोया वॉज कमिंग आउट एंड आई पंच जोया इन द फेस. तो उसके बाद आई मूव टू रोमांटिक कॉमेडीज फॉर अ बिट बट आई ऑलवेज एंजॉयड एक्शन. हाँ, और एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम थी वहाँ पर जिन्होंने मुझे सिखाया बेसिक्स ऑफ एक्शन. बट आई थिंक या एंड हैड अ वंडरफुल टाइम डूइंग इट क्योंकि मुझे पहले कभी मौका इन अ फिल्म मिला नहीं था एक्शन करने के लिए. मैं आपको अपना एडिटिंग में अनुभव बताऊंगा क्योंकि मैं एज इट इज मेरी जनरल नॉलेज बहुत कम है. तो जब ये फिल्म फर्स्ट हाफ राहुल नंदा जिन्होंने पोस्टर बनाया है उन्होंने देखी हम एडिट में और प्रभात यहाँ बैठे हैं तो इन्होंने कहा कि ये क्या फर्स्ट टाइम इसने एक्शन हीरो किया है फरहान ने. तो आई कुडंट बिलीव इट एक्चुअली आई कॉल्ड फरहान आई स्टिल कांट बिलीव कि दिस इज हिज फर्स्ट टाइम एक्शन परफॉर्मेंस बिकॉज ही इज सो गुड with his gun and with his movement, his body language, that he looks like as if, you know, he is an action hero. So my compliments to him. Maybe wo jo sock mara tha Zoya ko wo help kar gaya, lekin he has done a great job. Amit sir, you're on your left. Okay. Recently, Deepika gave an interview saying that it was a mistake of her not calling you at the success bash, and she also said कि उन्होंने आपको बहुत text और message किया. तो क्या मान ले कि आपने उनको finally माफ कर दिया? अरे मैडम छोड़ दीजिए, जो बीत गई सब बात गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए. एक कविता सुना देता हूँ मैं बाबूजी की इस पर. Please सुनाइए सर. जो बीत गई सो बात गई. जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था. वो डूब गया तो डूब गया. अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे. जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है. जो बीत गई सो बात गई. वाह जी. हाँ, वक्त मिलता है इतना हम लोगों के पास कि आप सबके जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए हम उसका उत्तर दे सकते. विदु सर ज्यादा पूछेंगे तो एक और कविता सुना देंगे आप. पूछिए पूछिए प्लीज. विदु जी एक सवाल आपके लिए. ये इधर भाव जी. विजय बहुत अच्छे उम्दा डायरेक्टर है लेकिन इस तरह का जो सब्जेक्ट है ये आपकी खासियत रही है, तो आपने क्यों नहीं ये डायरेक्ट करना चाहा जब इतना लिखने में वक्त लगाया तो? क्योंकि मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि बिजॉय ने मेरे से बेटर डायरेक्ट की है. उसने बहुत अच्छी डायरेक्ट की है फिल्म और मैं राजू के साथ काम कर करके थोड़ा लेजी हो गया हूँ. मैं चाहता हूँ ये लोग जाके डायरेक्ट करें. मैं एडिटिंग रूम में बैठ के भाषण झाड़ूँ तो मेरा रोल बिल्कुल अच्छा चल रहा है. पर सच अगर हम माने तो देर आर फ्यू सीन्स दैट आई हैव सीन इन द फिल्म दैट आई कुडंट हैव डन हाफ एज गुड एज बिजॉय. माई कॉम्प्लीमेंट्स टू वन मोर टाइम रियली. Bijoy, here, right here, on your right. Yeah. Hi. Hi. Bijoy, I would like to know, you have stalwarts like Mr. Bachchan working on this film, and Farhan himself is an accomplished director, Vidhu is a fantastic director. What were your challenges of directing a film like this with a cast, you know, which is so accomplished in their own way, and was it intimidating for you as a young filmmaker in the beginning, and how did you handle the situation? I had to completely block that feeling out because like you said all of them are like you know so accomplished in their own way and it is definitely very daunting and intimidating to work with such people like that. But so I had to keep that out completely. And the fact that we actually prepped for the film for a long time, we had a lot of readings, so by that process itself they just made me feel so calm. They didn't at no point did they have ever make me feel that okay this is like a filmmaker who's just making his third film, nothing like that. I mean all of them, you know, treated me the same way that they would like any other director. So and I really appreciate that. And having said that, like I said, I had to keep that out completely. I had to forget the fact that I'm directing Mr. Bachchan and forget the fact that I'm directing another director that is Farhan here, right here. So because ultimately I just had to make the characters work. I had to do justice to the script that Mr. Chopra and Abhijit had written for years. I mean my biggest challenge for me was that that it should definitely raise the bar in terms of how they saw the film, and I wanted to make sure that I gave them a good film. Mr. Bachchan, पीछे सवाल थोड़ा यहाँ से थोड़ा वजीर से थोड़ा अलग है. सब पीछे एकदम पीछे 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 हैं सर. सर आज सुबह से ही खबरें पीछे पीछे सर आपके पीछे नहीं कैमरास के पीछे.
सर, आज सुबह ही खबरें आई हैं कि बोफोर्स मामले में आपके बयान जो हैं वो उसको लेकर खबरें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? कहाँ हैं आप पहले तो सर, ये पीछे, ये सर, क्या मैंने सुना नहीं, क्या पूछा आपने? बोफोर्स मामले में जो आपका बयान था, मेरा क्या बयान था सर? यही कि आप अपने पिता के घर पर थे, जगदीश टाइटलर कहाँ थे वो आपको पता नहीं था, तो सर उसको लेकर जो बयान आया है आपका दिया गया। मैंने समझ नहीं आ रहा क्या कहा आपने, हमने देखा नहीं उसको अभी तक, क्षमा चाहता हूँ, बताइए क्या था बयान? हाँ सर, न्यूज़ में इस तरह की खबरें हैं सुबह से कि जो आपकी जो कॉपी जो CBI के पास आपने सबमिट किया है, जो बयान सबमिट किया है वो फाइनली दे दिया गया है, जिसमें कि आपने कहा था कि उस वक्त आप पिता के घर पर थे और जगदीश टाइटलर कहाँ थे इसकी आपको जानकारी नहीं है। ये बोफोर्स के मामले में है? हाँ जी सर। मैं अपने पिता के घर पे था। 84 राइट्स, आई एम सॉरी, 84 राइट्स सर। हाँ नहीं, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। 84 राइट्स। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं। हाँ, मैंने उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ थे, तो मैंने कहा मैं अपने बाबूजी के घर पे था, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कौन से बयान की बात कर रही हैं। हाँ हाँ, वो लोग आए थे मुझसे पूछने कि आप कहाँ थे और ये बाकी लोग कौन थे आपके इर्द गिर्द, मैंने बताया मुझको याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जितना मुझको याद था मैंने बता दिया उनको।